पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Welcome back to the next lecture of mathematics. Last lecture में बच्चों we have discussed vectors in a single shot. Vectors discuss करते समय मैंने आपको बताया था कि before starting the 3D concept, we'll be having an exclusive lecture on direction cosines. Reason क्या है बच्चों? 3D पढ़ने से पहले हमें direction cosines के बारे में proper knowledge होना बहुत जरूरी है. अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं समझ में आएगा तो वी विल नॉट बी एबल टू एनालाइज या विजुअलाइज 3D ज्योमेट्री, फाइन। तो आज के लेक्चर में बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आई अश्योर यू दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डायरेक्शन कोसाइंस आर एंड हम आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में इन अ वेरी ब्रीफ मैनर, फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट अ डायरेक्शन कोसाइन इज। हम डायरेक्शन कोसाइन एक वेक्टर के लिए स्टार्ट करेंगे, देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ रे और अ लाइन। फॉर अ वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन वाला पार्ट आपके वेक्टर्स वाले पार्ट में आता है और जब मैं लाइन पर मूव कर जाऊंगा तब ये आपके 3D ज्योमेट्री का पार्ट हो जाएगा, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज ऑलमोस्ट सेम। रीजन क्या है? मान लो मैं आपसे बोलूं दिस इज अ पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। इसी पोजीशन वेक्टर को अगर मैं टू वे एक्सटेंड कर दूं तो यही पोजीशन वेक्टर अब मेरा रे बन चुका है, ठीक है ना। अब ये एरो हटा दूं तो अब ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है ना। तो हम अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे एक वेक्टर से and then we'll be forwarding it या manipulating it to generate the concept for a ray. चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना विजुअलाइजेशन एक 3D प्लेन में करने वाले हैं, तो लेट अस कंसीडर अ 3 डायमेंशन प्लेन। ये मान लिया मेरा x है, दिस इज y एंड दिस इज z या z एक्सिस, ठीक है ना। आई हैव गॉट अ वेक्टर, अ पोजीशन वेक्टर से OP, फाइन, जहां पर P के कोऑर्डिनेट से x, y, z। अब बच्चों डायरेक्शन कोसाइन का मतलब हुआ मेरा पोजीशन वेक्टर P x, y और z या z एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। आप इसको ऐसे विजुअलाइज करिए, दिस इज माय प्लेन, ये मेरा x, y और z एक्सिस है, ध्यान से देखेंगे। दिस इज माय x, दिस इज y एंड दिस इज z एंड दिस इज माय पोजीशन वेक्टर। ये मेरा, ध्यान से देखिए, इसको विजुअलाइज करिए। अगर विजुअलाइजेशन क्लियर है तो डायरेक्शन कोसाइन बहुत आसान है। ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, ये मेरा पॉइंट P है, दिस टॉप इज द पॉइंट P और मैंने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मान लिए हैं x, y एंड z। अब ये पॉइंट P x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और z एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। दिस पॉइंट P is making an angle alpha with x axis, beta with y axis and gamma with z axis, ठीक है। तो चलिए मैं ये तीनों एंगल भी यहां पे बता देता हूं। ये मैंने मान लिया दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा, ठीक है ना। दिस अल्फा बीटा गामा आर योर डायरेक्शन एंगल्स या cos अल्फा cos बीटा cos गामा आर योर डायरेक्शन कोसाइंस। ये जो अल्फा बीटा गामा मैंने आपको बताया, ये वाला दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा, दीज आर योर डायरेक्शन एंगल्स एंड कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, दीज आर योर डायरेक्शन कोसाइंस। यही हमारे डीसीज हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, यही हमारे बच्चों डीसीज हैं, ठीक। चलो अब इस 3 डायमेंशनल प्लेन को हटा के मैं सिर्फ एक सिंगल एक्सिस कंसीडर करता हूं। मान लेता हूं एक्स वाई प्लेन ले लेता हूं, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है। इसी पिक्चर को मैं रेप्लिकेट कर रहा हूं 2 डायमेंशन में। हमने यहां पर 3 डायमेंशन में देखा था, आई एम रेप्लिकेटिंग इट इन 2 डायमेंशन। तो ये मेरा पॉइंट P हो गया, फाइन, ये मेरा एंगल हो गया अल्फा, फाइन। यहां से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो इसका लेंथ x होगा अब बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, इसका लेंथ क्यों एक्स होगा भाई? पी के कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, दैट मींस पी इज एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस, वाई डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अलोंग वाई एक्सिस एंड जेड या जी डिस्टेंस अलोंग ओरिजिन फ्रॉम दी ओ पॉइंट। ठीक है ना, तो यहां पॉइंट, ये पॉइंट हुआ एक्स, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, आई होप कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, अच्छा दिस इज द पोजीशन वेक्टर आर, मैंने पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर मान लिया था आर, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा? कॉस अल्फा विल बी एक्स अपॉन आर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कॉस अल्फा विल बी एक्स अपॉन आर। ऐसे ही बच्चों मैं वाई Z प्लेन लू, Z एक्स प्लेन लू, तो आई कैन राइट दीज थ्री इक्वेशंस, cos बीटा विल बी y अपॉन r एंड cos गामा विल बी z अपॉन r या z अपॉन r। तो मुझे ये तीन इक्वेशन मिलती हैं जहां पर r इज द पोजीशन वेक्टर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस cos अल्फा cos बीटा cos गामा को ही बच्चों हम लोग ऐसे लिखते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज L, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज M एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज N। तो ये L, M और N यही मेरे डायरेक्शन कोसाइंस हैं, दीज आर माई डीसीज। ठीक है ना, अच्छा अगर मैं R की बात करूं बच्चों तो R की वैल्यू क्या होनी चाहिए? R की वैल्यू होनी चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर मेरा यूनिट वेक्टर है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जी मेरे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर होना चाहिए। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे है भाई ये? आर को मैं क्या लिख दूंगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे ही लिखूंगा। अगर मैं पॉइंट पी को लिखना चाहूं तो आर को ऐसे ही लिखूंगा, तो मॉड आर कितना आ जाएगा? इतना ही आ जाएगा, मॉड आर को ही मैं आर बोल रहा हूं। ठीक है, तो बहुत से लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो आर इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहीं से मैं कुछ और वैल्यूज फॉर्म करने वाला हूं। देखो, दिस इज नथिंग बट एल, दिस इज एम एंड दिस इज एन। ठीक है ना, तो एल की वैल्यू क्या होगी बच्चों? L को मैं लिख सकता हूं R cos अल्फा, M को मैं लिख सकता हूं R cos बीटा और N को मैं लिख सकता हूं R cos गामा। कोई डाउट नहीं है। अब इन तीनों इक्वेशंस को अगर मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं, पहले मैं आपको वो सभी फॉर्मूले बता रहा हूं कि आ कहां से रहे, अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को बच्चों स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। और ये किसके बराबर आएगा? ये बराबर आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से मुझे एक और इक्वेशन मिल जाएगी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से मुझे एक और इक्वेशन मिल गई। आपको एक या दो नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कई बार इस इक्वेशन पे बेस होते हैं। आपकी एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है, शो दैट से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2, ये एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इफ अल्फा बीटा गामा आर दी डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन एंगल्स, तो आप कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिखकर प्रूव कर सकते हो। इस पर्टिकुलर इक्वेशन से बच्चों आपके एक और दो नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसको मैं cos 2 अल्फा cos 2 बीटा और cos 2 गामा में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, तो वहां से भी बच्चों मुझे एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इस इतना जितना भी हमने किया है यहां से आपके 2 नंबर के एक क्वेश्चन बन रहा है एनसीईआरटी का। फाइन, चलो अब एक चीज और देखते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज को मैं थोड़ा सा आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस से समझाता हूं। मान लो मैं आपसे बोलूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 3, 1। मान लिया मेरे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 3, 1। 8, 3, 1 का मतलब हुआ बच्चों एक्स एक्सिस की तरफ ये लाइन बहुत दूर तक जा रही है, वाई एक्सिस पे कम है और जेड एक्सिस पे बहुत कम है। अगर 8, 3, 1 ये ऐसा है तो मैं कह सकता हूं कि मेरा अल्फा कम होगा, मेरा अल्फा कम होगा। बहुत ध्यान से समझना मैं जो बात बता रहा हूं, अगर ये चीज क्लिक हो गई तो आपको फिर कभी वो डायरेक्शन रेशियोज वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि आप फॉर्मूला याद करके जाते हो बट आपको बैक एंड पे मालूम नहीं है कि फॉर्मूला चल कैसे रहा है। बहुत ध्यान से देखो, अगर एक्स वाई जी में मैं बोलूं एक्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो क्या मेरा ये वेक्टर नीचे की तरफ झुका नहीं होगा? बिल्कुल झुका होगा। अच्छा, एक्स कब ज्यादा है? जब वाई और जी उतने ज्यादा नहीं है या रिलेटिवली कम है, या मैं इसको कर दूं 18, 3, 1। अब आप देखो OP 18 यूनिट x एक्सिस पे है लेकिन y एक्सिस पे कितना है 3 यूनिट और z एक्सिस पे कितना है 1 यूनिट। तो अगर मैं ऐसे केस में इस लाइन को बनाऊंगा तो मेरी लाइन कुछ ऐसी आनी चाहिए। टेक्निकली अगर मैं देखूं तो मेरी लाइन कुछ ऐसी आनी चाहिए, ऐसी। अल्फा बहुत छोटा होना चाहिए, पॉइंट P यहां पर एक्स वाई जी, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतना आप अब वेक्टर पढ़ने के बाद विजुअलाइज कर पा रहे हो कि अल्फा छोटा आ रहा है, ठीक। अच्छा, अल्फा अगर छोटा है बच्चों तो कॉस अल्फा कैसा है? अल्फा अगर छोटा है तो कॉस अल्फा कैसा है? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, कॉस अल्फा इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। अगर मैं अल्फा बढ़ाऊंगा तो कॉस अल्फा घटेगा और अगर मैं अल्फा घटाऊंगा तो कॉस अल्फा बढ़ेगा। ये है कॉस थीटा का ग्राफ, ये ठीक है ना। जब मेरा अल्फा कम है तो ध्यान से समझिएगा, जब मेरा अल्फा कम है तो मेरा कॉस अल्फा ज्यादा है, ठीक। अच्छा, कॉस अल्फा क्या था? कॉस अल्फा ही मेरा डायरेक्शन कोसाइन था। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब ये वाला पार्ट, एक्स वाला पार्ट बढ़ रहा है तो कॉस अल्फा वाला पार्ट भी बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बढ़ रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कोई पॉइंट P है, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स हैं A, B, C, कोई भी जनरल पॉइंट मैंने बोल दिया P। अब x, y, z हटा रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि यहां पे भी x, y, z है। मैंने बोल दिया एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A, B एंड C। अब यहां पर बहुत ध्यान से समझेंगे, यहां पर क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जिस रेशियो में A बढ़ेगा उसी रेशियो में कॉस अल्फा बढ़ेगा? बिल्कुल बोल सकता हूं। जैसे जैसे ए बढ़ेगा ये लाइंस इन कंपैरिजन टू बी एंड सी, देखो मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कह रहा हूं यहां पर, देखो कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि जितना ए बढ़ा उतना ही कॉस अल्फा बढ़ा, नो, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं जिस रेशियो में ए बी सी बढ़ रहे हैं उसी रेशियो में कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा भी बढ़ रहे हैं। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं जिस रेशियो में एबीसी बढ़ रहे हैं उसी रेशियो में कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा भी बढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस रेशियो में एबीसी बढ़ रहे हैं उसी रेशियो में कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, एबीसी क्या है? अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख दूं, इसको इसी जगह पे वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो क्या आ जाएगा? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, यही आ जाएगा। पोजीशन वेक्टर आर दे रहा है, इतना ही आ जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये किसी भी वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक। तो ये जो ए, बी और सी हैं इनको बच्चों मैं बोलता हूं डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज, दीज आर कॉल्ड डी आर्स, डायरेक्शन रेशियोज। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है जिस रेशियो में ए बी सी बढ़ेंगे उसी रेशियो में बच्चों कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? मैंने आपको फिजिकली दिखाया। ए बढ़ेगा तो अल्फा कम है, अगर अल्फा कम है तो कॉस अल्फा ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल नोट कर लेंगे, ठीक। अगर रेशियो सेम है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं cos अल्फा अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस बीटा अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस गामा अपॉन सी, बिल्कुल लिख सकता हूं। ध्यान रखेंगे मैं रेशियोज को इक्वेट कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि वैल्यूज सेम है, नो, रेशियोज सेम है और इन्हीं को मैं बोलता हूं डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना। तो अब आपके पास दो चीजें आई, पहली चीज डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, दूसरा डायरेक्शन रेशियोस क्या है। लिखने का तरीका बच्चों ये है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस को हम लिखते हैं एल एम एन, डायरेक्शन रेशियोस को ए बी सी, ठीक। ये मेरा लिखने का तरीका है। अभी जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपका लॉजिक और भी क्लियर होता जाएगा। जैसे फॉर इंस्टेंस हम एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है कई बार। क्वेश्चन कहता है शो दैट, क्वेश्चन सेज शो दैट आई प्लस जे प्लस के आर इक्वली इनक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक वेक्टर है i प्लस जे प्लस के, आपको प्रूव करना है दैट दिस वेक्टर इज इक्वली इनक्लाइंड विथ द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। अब सबसे पहली चीज देखते हैं कि इसके डायरेक्शन रेशियोस क्या है। मान लेता हूं वेक्टर r है, ये वेक्टर r है i प्लस जे प्लस के। अब हमने जो पढ़ा अभी उसका एप्लीकेशन कि आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन कैसा मिलने वाला है, आर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज। तो फटाफट से याद करेंगे कि रेशियोज कैसे थे, वेक्टर का वो जो कोफिशिएंट्स आ रहे थे वही तो मेरे रेशियो थे। तो यहां पर कोफिशिएंट्स कितने हैं 1, 1, 1, क्लियर, कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा आर कितना आ जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज अंडर रूट 3, फाइन, कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं अपने पुराने बेसिक, ये यहां पे मैंने जो लिखा था cos अल्फा वॉस x अपॉन r। x क्या था बच्चों, x था पॉइंट P का x एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक। क्या ये डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शनल नहीं था, बिल्कुल था भाई, मेरा ग्राफ ऐसा था, ये मेरा था पॉइंट बी एक्स वाई जी और इसी को मैंने बोला था ए बी सी और यही मेरे बाद में डायरेक्शन रेशियोज हो गए थे। तो क्या मैं यहां से cos अल्फा लिख सकता हूं 1 अपॉन रूट 3 लिख सकता हूं। ध्यान से देखेंगे मैंने डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू उठाई और लिख दिया डिवाइडेड बाई आर। मतलब अगर मैं थोड़ा सा और दिमाग का इस्तेमाल करूं, मैं इसको ये नहीं कह रहा कि ये फॉर्मूला है, बट न्यूमेरिकल में अगर मैं देखूं, अगर आप नोटेशन से कंफ्यूज हैं, भाई देखिए बहुत सी बुक्स ने एक्स वाई जेड यूज किया हुआ है, बहुत सी बुक्स ने एबीसी यूज किया हुआ है, ठीक है। तो आप उससे मत कंफ्यूज होइएगा कि आपको यूज क्या करना है। देखो 3D और वेक्टर में प्रॉब्लम यही है, आप जब याद करना शुरू कर देते हो तो अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल है, जैसे ही आप सिंबल्स में कंफ्यूज होते हो सारा रायता फैल जाता है। तो यहां पर मैं ऐसे कर सकता हूं, ऐसे ही cos बीटा बच्चों कितना आएगा, cos बीटा भी मेरा 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट P का b का वैल्यू भी 1 है। ऐसे ही cos गामा कितना आ जाएगा, cos गामा भी बच्चों मेरा 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगा। तो अगर cos अल्फा cos बीटा और cos गामा तीनों 1 बाई रूट 3 है, इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू एक ही है। और अल्फा और बीटा और गामा क्या थे, अगर मैं बेसिक डायग्राम में आऊं ये, तो मेरे अल्फा बीटा और गामा वो एंगल्स ही तो थे जो मेरा वेक्टर बना रहा था फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एग्जैक्टली वो एंगल्स ही तो थे। तो इसका मतलब लॉजिकली आई वाज करेक्ट, Indeed, these vectors are equally inclined with the coordinate axis, ठीक है। तो मेरा ये लॉजिक यहां पर क्लियर होता है, फाइन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर ए, फाइंड अ वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड, आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है बच्चों, मैग्नीट्यूड इज 5√5 एंड द वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 with x axis, angle of π/2 with y axis, and it makes an angle theta with z axis. ठीक, तो ये क्रेडेंशियल्स आपको दिए हुए हैं. आपका पास एक वेक्टर है, वेक्टर के बारे में क्या दिया हुआ है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 5√2, ठीक, और एंगल्स दिए हुए हैं. कहां से दिए हुए हैं, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से, तीन एंगल्स आपको दिए हुए हैं. तो चलिए, अगर एंगल्स आपको दिए हुए हैं तो आप क्या लिख सकते हो, एल का वैल्यू हो गया कॉस ऑफ π/4, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. एम का वैल्यू हो गया कॉस ऑफ π/2, ठीक, और एन का वैल्यू हो गया कॉस ऑफ थीटा. इतना हो गया, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है भाई. एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो अल्फा था, वाई एक्सिस से बना रहा था जो बीटा था, और जेड से जो बना रहा था वो गामा था. तो आपको ये वैल्यूज पता चल गई. अच्छा, व्हाट इज cos π/4, वैल्यू ऑफ cos π/4 इज 1/√2, एल मिल गया. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos π/2, cos 90 इज 0, और एन को हम cos थीटा ही लिखा रहने दें. फाइन, यहां तक क्लियर है. अब रूल लगाते हैं, बेसिक रूल. बेसिक रूल क्या कहता है बच्चों, मेरे पास एक इक्वेशन है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, अभी मैंने यहां पर लिखी हुई है. तो इस हिसाब से ये आ गया 1/2 प्लस 0 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा आ गया 1 - 1/2 यानी कि 1/2. तो cos थीटा बच्चों आ गया ±1/√2. यहां से मुझे cos थीटा का वैल्यू मिल गया. ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे निकालना था वैल्यू ऑफ a. ठीक, a मेरा क्या था, यूनिट वेक्टर. राइट, a था मेरा बच्चों यूनिट वेक्टर. अब एक चीज देखो, a मेरा वेक्टर था, मुझे वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है, ठीक, और डायरेक्शन रेशियोज मुझे पता चल गए. अगर मुझे वेक्टर ए को लिखना है तो क्या मैं वेक्टर ए को ऐसे लिख सकता हूं? बहुत ध्यान से देखेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. वेक्टर ए क्या होगा भाई, यहां पर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख दूं 5√2 जो मुझे गिवन है, 5√2 मुझे गिवन है. वैसे वेक्टर क्या था, जनरल में बोलूं तो क्या है, x×i कैप प्लस y×j कैप प्लस z×k कैप. ठीक है ना, यही था मेरा वेक्टर. और x, y और z क्या थे, डायरेक्शन रेशियोज थे, वो थे मेरे डायरेक्शन रेशियोज. ध्यान से देखेंगे, डायरेक्शन रेशियोज यही था, x, y, z मेरे डायरेक्शन रेशियोज ही थे. अगर मैं cos अल्फा की बात करूं तो cos अल्फा क्या था, x/r, यही था. तो x क्या था, x था मेरा r cos अल्फा, ठीक, और x बेसिकली है क्या, x तो यही है, x तो बच्चों यही है, देख रहे हो आप, x तो यही है. तो तीनों में जब मैं x रखूंगा तो टेक्निकली मैं r को बाहर ले सकता हूं, r को मैं बाहर ले सकता हूं, और आएगा क्या, i कैप cos अल्फा प्लस j कैप cos बीटा प्लस k कैप cos गामा, यही आने वाला था मेरा. ठीक, यही आने वाला था. अब इसी चीज को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, देखो कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे. वेक्टर ए को मैंने यहां पर लिख दिया 5√2, ये तो मेरा आ गया मैग्नीट्यूड. ठीक, अब आते हैं cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा के कैप. तो cos अल्फा कितना आया है बच्चों, cos अल्फा मेरा एल है, ये आया है 1/√2 इंटू आई कैप, प्लस cos बीटा कितना है, एम कितना आया, 0 इंटू जे कैप, प्लस माइनस ये कितना आया, 1/√2 इंटू के कैप. तो क्या ये मेरा वेक्टर ए नहीं हो गया, ध्यान से देखिए, क्या ये मेरा वेक्टर ए नहीं हो गया भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. अब इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको हमेशा एक कंडीशन दी होगी, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने लिखी नहीं है, लिखा था थीटा इज एन एक्यूट एंगल. ये हमेशा दिया होगा क्योंकि यू कैन नॉट हैव प्लस माइनस बोथ, भाई ये तो दो वेक्टर हो गए ना, एक बार प्लस हो गया तो वेक्टर ए अलग हो गया, माइनस हो गया तो वेक्टर ए अलग हो गया। लाइंस में ऐसा हो सकता है, वेक्टर्स में ऐसा नहीं हो सकता। वो भी जब लाइंस डिस्कस करेंगे तो क्लियर होगा। तो अगर मेरा थीटा एक एक्यूट एंगल है तो क्या मैं नेगेटिव वैल्यू ले सकता हूं? नहीं ले सकता। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान जरूर दीजिएगा आपको वेक्टर्स के केस में। जब आप डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर के केस में लगा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं कोई कंडीशन 100% दी होगी। फाइन, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं बात करूं डायरेक्शन कोसाइंस की वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यही दो केसेस बनते हैं जिस पर आपको बोर्ड में क्वेश्चन मिलने वाला है। आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर है। अब इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे, फॉर वेक्टर्स से बढ़कर लाइंस की तरफ आएंगे। कैसे निकालूंगा डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन की, तो चलिए देखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस फॉर लाइंस। चलिए बच्चों, अब जरा लाइंस के लिए देखते हैं। मैंने फॉर्मुलेज लिख दिए, सबसे पहले विजुअलाइज करते हैं डिफरेंस क्या है। तो बच्चों डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको अभी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताया था कि मेरा वेक्टर ऐसा जाएगा लेकिन मेरा रे पीछे भी मूव करेगा। ये टू वे होगा। अगर टू वे है, मान लीजिए ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो गया? पाई माइनस अल्फा। तो जहां मेरे पास एक डायरेक्शन एंगल आ रहा था, वहां आपके पास मेरे पास दो डायरेक्शन एंगल्स, एक अल्फा और एक पाई माइनस अल्फा। ठीक, तो डायरेक्शन कोसाइंस भी मेरे पास दो हो गए, एक कॉस अल्फा और एक कॉस पाई माइनस अल्फा। तो कॉस पाई माइनस अल्फा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है माइनस कॉस अल्फा। तो अगर कॉस अल्फा और कॉस माइनस अल्फा दो डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, तो मैंने यहां पर लिख दिया प्लस माइनस एल, प्लस माइनस एम और प्लस माइनस एन। तो वेक्टर और आपके लाइन में डिफरेंस क्या है? वेक्टर्स की जब मैं बात करूंगा तो डीसीज केवल पॉजिटिव होंगे, लेकिन जहां मैं लाइन पे आ जाऊंगा तो डीसीज मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। देखो यही रीजन था कि मैंने जो अभी लास्ट क्वेश्चन कराया था वहां पर आपको बोला था प्लस माइनस दोनों नहीं, 100% कोई ना कोई कंडीशन न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में दी होगी जहां से आपको क्लियर हो कि पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव। वेक्टर के केस में दोनों आंसर नहीं आ सकते, लेकिन लाइन के केस में 100% दो वैल्यूज होंगी। रीजन मैंने आपको बता दिया भाई, अगर ये वेक्टर होता तो ये यहीं तक होता, लेकिन पोजीशन वेक्टर अगर होता, पोजीशन वेक्टर मतलब मैं ओरिजिन से किसी वेक्टर का डिस्टेंस, लेकिन जैसे ही ये लाइन या रे बन गया ऑब्वियसली ये अल्फा है तो ये पाई माइनस अल्फा हो गया। तो बाकी सब कुछ वैसा ही है, बस ये हमें ध्यान रखना है कि अब की बार दो एंगल बन रहे हैं। ठीक, न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक, अच्छा एल एम और एन भी वैसे ही आ जाएगा। ए क्या था? कॉस अल्फा वॉट एक्स अपॉन आर, तो ये आर है, मतलब ये कुछ ऐसा है, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी। तो आप विजुअलाइज कर पा रहे हो एल का वैल्यू कैसे आएगा? कॉस अल्फा कितना आ जाएगा? कॉस अल्फा आ जाएगा बच्चों ए अपॉन आर, और आर क्या है? आर है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। कॉस अल्फा को मैंने एल लिख दिया है और ए की जगह ऐसे लिख दिया। ऐसे ही एम की वैल्यू भी लिख सकते हो, एम विल बी प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई दिस होल टर्म। ऐसे ही आप एन भी लिख सकते हो। ठीक, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट वेक्टर में ही क्लियर है तो लाइन में ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम इसीलिए आती है, डर इसीलिए लगता है लाइंस में, क्योंकि आपका वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। ठीक है ना, तो ये चीजें क्लियर है। दूसरी एक नया फॉर्मूला है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। बहुत सिंपल है, हमें डेरिवेशन पे नहीं जाना। मान लेता हूं पॉइंट पी और पॉइंट क्यू से को ज्वाइन करने वाली लाइन है, P और Q दोनों के कोऑर्डिनेट्स मुझे मालूम है, तो डीसीज क्या हो जाएंगे? x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू एंड z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। ये सिंपल वैल्यूज है, यहां से हम डायरेक्टली डीसीज लिख सकते हैं। फाइन, पी क्यू का वैल्यू आपको मालूम है, वेक्टर 3D में आप करके आ गए। फाइन, चलो एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अब इस पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन्स पर बच्चों सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो बहुत बहुत ही सिंपल सा है, अगर मैं आपको बोलूं ये एक वेक्टर है a1i प्लस b1j प्लस c1k, एक और वेक्टर है a2i प्लस b2j प्लस c2k और उनके बीच का एंगल थीटा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, हम थीटा कैसे निकालते हैं भाई? डॉट प्रोडक्ट हम निकाल लें, a इंटू बी इज मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। तो जब मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो कॉस थीटा कितना आएगा, डॉट प्रोडक्ट में ये हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई मॉड ए इंटू मॉड बी। मॉड ए कितना आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। मॉड बी कितना आ जाएगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो यहां से बच्चों में cos थीटा निकाल सकता हूं। आप बुक्स में देखोगे तो आपको हैवी वेटेड फॉर्मूले देखेंगे, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, बेसिक वेक्टर का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये बेसिक वेक्टर के एप्लीकेशन से मैं निकाल सकता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं यही फॉर्मूला लिखना चाहूं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस तो मेरा फॉर्मूला होगा cos थीटा इज L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक। तो ये दो फॉर्मूले हैं जहां से मैं एंगल निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। अब यहां पर एप्लीकेशन की अगर बात करूं तो दो केसेस बनते हैं, कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मींस थीटा 90 है, अगर थीटा 90 है तो कॉस थीटा 0 है, अगर कॉस थीटा 0 है तो बच्चों परपेंडिकुलर की कंडीशन आ गई a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये मेरी आ गई परपेंडिकुलर की कंडीशन। अब पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल की बात करते वक्त तो मुझे ये सब कुछ सोचना ही नहीं, दो वेक्टर या दो लाइन पैरेलल है, इसका क्या मतलब है। पैरेलल की कंडीशन थी इफ ए एंड वेक्टर्स में मैंने बताया था इफ ए एंड बी आर पैरेलल देन ए इज इक्वल टू लैम्डा बी कोलीनियर, ये सभी की एक ही कंडीशन थी। तो A is related with some constant to B। तो यहां पर A1, A2, B1, B2, C1, C2 इनमें कुछ रिलेशन होना चाहिए, या मैं कह सकता हूं A1 upon A2 should be equal to B1 upon B2 should be equal to C1 upon C2 should be equal to some constant। तो बच्चों पैरेलल जैसे वेक्टर में शुरू किया था वैसे ही 3D में आता है, इसमें कोई आपको टेंशन की जरूरत नहीं है कि कोई नया फॉर्मूला याद करना है या कोई कठिन फॉर्मूला याद करना है, जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, फाइन। दूसरा एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें साइन थीटा के टर्म्स में लिखा है, तो अगर आप एक बार कॉस थीटा निकाल रहे हो तो साइन थीटा निकाल सकते हो, अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अननेसेसरी वो उनको फॉर्मूले की तरह याद रखने का कोई मतलब नहीं है, दोज आर नॉट एट ऑल योर फॉर्मूलाज, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, फाइन। चलिए अब हम क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको डीसीज क्लियर होंगे फॉर अ लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों फटाफट से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको दिया हुआ है द डीसीज डायरेक्शन कोसाइंस, आपको ये दिए हुए हैं और आपको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। तो ये तो एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, कैसे आपको डायरेक्शन कोसाइंस दिए हैं और आपको डायरेक्शन रेशियोस मालूम करना है। तो इस कॉम्बिनेशन में कितने भी डायरेक्शन रेशियोस बनाऊं वो हमेशा इसी रेशियो में आएंगे -2 के, ठीक है ना, इसी रेशियो में आएंगे। क्यों, देखो 11 कॉमन है, 11 इज अ कॉमन फैक्टर, इसको हटा देते हैं। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या हुआ, आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा दिया हुआ है, ठीक है ना, और आपसे पूछ क्या रहा है डी आर, मतलब ए बी सी पूछ रहा है। तो मैंने आपको इनिशियली बताया था cos अल्फा अपॉन ए इज इक्वल टू cos बीटा अपॉन बी इज इक्वल टू cos गामा अपॉन सी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, ये रिलेशन होल्ड करता है, ये हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस से ही देखा है। तो अगर डीसीज का रेशियो दिया हुआ है तो डीआरस का रेशियो सम कांस्टेंट इंटू एबीसी, यही वैल्यू आनी है, या एबीसी का रेशियो इज सम कांस्टेंट इंटू कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर, ठीक है ना। अच्छा, इसी का रिवर्स भी कभी कभी पूछते हैं, कभी कभी आपसे कहते हैं कि डी आर का रेशियो है आपका से 962 और डी सी का रेशियो बता रहा है, तो भी बहुत आसान है। अगर डी आर के रेशियोज आपको पता है तो डी सी के रेशियोज कितने आएंगे ये भी हम अभी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन को पहले डिकोड करें कि पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आपको प्रॉपर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है। सिर्फ फॉर्मूले से बच्चों 3D नहीं होगी, सिर्फ फॉर्मूला याद करोगे तो आपको इतना ज्यादा याद करना पड़ जाएगा कि मैथ्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूल ही जाओगे। तो थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर लीजिए, एक लेक्चर प्रॉपर देख लीजिए या बुक से पढ़ रहे हैं तो एक बार फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझ लीजिए, फिर वेक्टर 3D से आसान कुछ भी नहीं है मैथ्स में। आप आराम से 100% मार्क्स गेन कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी सीबीएसई बोर्ड में 3D का वेटेज भी बहुत ज्यादा है और प्लेन्स वगैरह बहुत आसान लगेंगे अगर डीसी समझ में आ गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चन हमने कर लिए, थर्ड देखते हैं। डीसीज ऑफ टू लाइन्स आर दिस एंड दिस, फाइंड द एंगल। डीसी मतलब आपको L1, M1, N1 एंड L2, M2, N2 आपको दिया है, आपको एंगल निकालना है। तो ठीक है भाई, cos थीटा मुझे मालूम है L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 होता है, यहां से मैं निकाल सकता हूं। ठीक, 2/3 इंटू 3/7 प्लस माइनस 1/3 इंटू 2/7 प्लस जो भी आपको दिया है यहां से आप निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल कैलकुलेशन पे है, ठीक है ना। ये अभी हम केवल एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं प्लेन्स के लिए। थर्ड देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डी आर। सबकी बार आपको डी आर दिए हैं, मतलब आपको क्या दिया है बच्चों, A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये दिया है और आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। यहां पर दो तरीके हैं बच्चों, मैं आपको पहले आसान तरीका बता देता हूं। आसान तरीका क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये सिंपल तरीका है अगर फॉर्मूला याद है। ठीक, अगर बहुत ज्यादा याद नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आपको डी आर दिए हुए हैं, यहां से डीसीज निकाल लो भाई, यहां से डीसीज निकाल लो। यहां से डीसी लिख सकता हूं, इसका डीसी कितना आएगा 1/√4 + 4 8 + 1 9 1/3, इसका आएगा 2/3, इसका आएगा 2/3। मतलब अगर आप एक ही फॉर्मूला याद रखना चाहते हो ये वाला तो भी काम चल जाएगा। आपको डीसी डी आर से डीसी निकालने पड़ेंगे, वो बहुत आसान है। ऐसे ही इसका भी निकाल सकते हो, इसका कितना आ जाएगा बच्चों 6 × 6 = 36 36 + 4 = 40 40 + 9 = 49 √49 = 7। तो ये आ जाएगा 3/7, 2/7, -6/7। तो ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूं। इस क्वेश्चन को दो तरीके से करना बच्चों, एक बार इन दोनों को इस फॉर्मूले से निकालना। अब यहां पर ये L1 है, ये M1 है, ये N1 है, ये L2 है, ये M2 है, ये N2 है। और दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ, ये जो बाद वाला मेथड है ये थोड़ा सा बड़ा है नो डाउट, मगर अगर आप कम से कम चीजें याद रखना चाहते हैं तो इससे काम चल जाएगा। ठीक है, एग्जाम टाइम में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, हो सकता है याद ना आए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डीसीज और डीआरस बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, तो आपको प्लेन्स बहुत आसान लगने वाला है। क्लियर है, चलो अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। इस साल सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन के आने की है। इस क्वेश्चन का मतलब इस तरीके के क्वेश्चन के आने की है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस और दोनों लाइंस की डीसीज की इक्वेशन आपको दी हुई है। ध्यान से देखेंगे, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डीसीज आर गिवन बाय द इक्वेशन। आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं और आपसे कहा गया है कि दो लाइंस हैं उनके डीसीज को हम इन इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको लाइन के बीच का एंगल निकालना है। अब यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे आएगा ये भी समझो, मैं पहले तीनों चीजें बता देता हूं। एक तो ये मैं सॉल्व कर रहा हूं, दो और केस बनते हैं। आपको कहता है शो दैट द लाइंस हुज डीसीज आर गिवन बाय, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से। शो दैट द लाइन हुज, ये एग्जाम्पलर पे दोनों क्वेश्चन हैं, गो थ्रू इट। एग्जाम्पलर में जो मैं अभी बोल रहा हूं ये दोनों क्वेश्चन हैं। शो दैट The lines whose DCs are represented by the given equations are parallel if, are perpendicular if। तो मेथड वही है जो इसमें करने वाला हूं, बस उसमें कंडीशन निकालनी है। ठीक, तो ये मैं कर रहा हूं, वो आप एग्जाम्पलर से करोगे। चलो, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स whose DCs are given। तो पहली इक्वेशन जो मुझे दी है दैट इज L + M + N = 0। तो यहां से आई कैन राइट L = -M + N लिख सकता हूं। ये वैल्यू बच्चों अगर मैं दूसरी इक्वेशन में रख दूं, मेरी दूसरी इक्वेशन है L² + M² - N² = 0। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज -M + N का होल स्क्वायर। तो माइनस करूंगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो आएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू एम एन प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, दिस विल गिव मी टू एम एन प्लस टू एम स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, टू एम को कॉमन लू, एन प्लस एम इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से मुझे दो चीजें मिलेंगी, एम इज इक्वल टू जीरो और m इज इक्वल टू माइनस एन। ठीक, या तो n की वैल्यू जीरो होगी या तो m इज इक्वल टू माइनस एन होगा। तो इन दोनों कंडीशन से अब मेरे हैं क्या, l m n और माइनस l माइनस m माइनस n। ये दो ही मेरे डायरेक्शन कोसाइंस हो सकते हैं। ध्यान से देखेंगे l m n या माइनस l माइनस m माइनस n, इसके अलावा कोई भी डायरेक्शन कोसाइंस नहीं हो सकते। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जरा L का वैल्यू चेक करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। अगर M जीरो है बच्चों, अगर M जीरो है तो L का वैल्यू कितना आएगा, L का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ M। ध्यान रखेंगे, अगर M L मेरा जीरो है तो L का यहां से देखिए, इफ फॉर एवरी M इज इक्वल टू जीरो वी हैव L इज इक्वल टू माइनस M। तो मैं क्या लिख सकता हूं, L की जगह माइनस एन लिख दू, M की जगह जीरो लिख दू, M की जगह n लिख दू। देखो कैच क्या है, कैच ये है कि मुझे ये तीनों एक ही टर्म करने हैं, या तो L कर दू तीनों, या तो M कर दू तीनों, या तो n कर दू तीनों। ये ध्यान रखेंगे सभी लोग, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यहां पर गलती हो गई बेटा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब एम इज इक्वल टू माइनस एन, अगर एम की वैल्यू माइनस एन है तो यहां से L कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देखिए, अगर M की वैल्यू माइनस एन है तो L जीरो आ जाएगा। तो मैंने यहां पर L को पहले जीरो लिख दिया। अब माइनस M है तो यहां पर कितना आ जाएगा N, माइनस N को मैं माइनस N लिखा रहने देता हूं। ठीक, यहां तक क्लियर है। बहुत ध्यान से देखेंगे, एक क्वेश्चन क्लियर तो समझ लीजिए 4 मार्क्स आपको 100% मिलते हैं बोर्ड्स में। ये उस टाइप का क्वेश्चन है, राइट? यहां तक कोई डाउट? भाई ऐसे भी कर सकते हो, माइनस एम को यहां ये भी ठीक है, इसको माइनस और इसको प्लस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा रेशियो यहां बनाओगे वैसा ही रेशियो यहां बन के आ जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। माइनस एम है ना, अगर मैं माइनस एम कर दूं तो ये एन हो जाएगा। ठीक, तो उससे कंफ्यूजन नहीं रखना है। चलो अब देखते हैं कि मेरे पास क्या रेशियोज बन के आ रहे हैं। ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास जो पहला रेशियो बन के आ रहा है दैट इज माइनस एन जीरो एंड एन। ठीक, मेरे पास पहला रेशियो बन के आ रहा है माइनस एन जीरो एंड एन। दूसरा क्या बन के आ रहा है, जीरो माइनस एन एन। ये दो रेशियो बन के आ रहे हैं तो मैं इनको लिख कैसे सकता हूं, इनको मैं लिख सकता हूं माइनस वन जीरो वन एंड जीरो माइनस वन वन, लिख सकता हूं। देखिए अब ये लॉजिक कहां से आया भाई, देखो चाहे कोसाइंस की बात करूं, चाहे रेशियोज की बात करूं, चाहे डीसीज की बात करूं, चाहे डीआरस की बात करूं, हैं तो ये रेशियोज ही भाई। ये कोई एब्सोल्यूट वैल्यूज तो है नहीं, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट वैल्यूज, दीज आर सिंपल रेशियोज। ठीक है ना, दीज आर सिंपल रेशियोज, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट इसमें बच्चों, कोई डाउट? चलो तो अब मेरे पास क्या क्या वैल्यूज आ गई, माइनस वन जीरो माइनस वन वन। मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था दोनों लाइंस के बीच का एंगल। फाइन, तो दोनों लाइंस के बीच का एंगल अब निकाल सकता हूं। मेरे पास a1 है, मेरे पास b1 है, मेरे पास c1 है, मेरे पास a2 है, मेरे पास b2 है, मेरे पास c2 है। तो cos थीटा मैं निकाल सकता हूं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं। तो अब देखो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने आपको बताया था एक ही तरीके से 3 क्वेश्चन बनते हैं। यहां पे तो एंगल निकालना था तो आपने सीधे वैल्यू पुट की, एंगल निकाल दी। यहीं पर अगर आपसे क्या देता, प्रूव दैट दे आर परपेंडिकुलर इफ, तो परपेंडिकुलर मतलब इसको जीरो पुट कर देते। ठीक, इसको सीधे जीरो पुट कर देते, इस कंडीशन पर ऑपरेट करते आपको एक वैल्यू मिल जाती। अगर पैरेलल की बात करता तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। ठीक, तो ये है वो क्वेश्चन जिसके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, आई गेस आपको समझ में आया होगा। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। डीसीज एंड डीआरस आर कंप्लीट फ्रॉम माय एंड। प्लीज गो थ्रू द लेक्चर। आई हैव ट्राइड टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं और इस साल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई एंड फिनिश 3D ज्योमेट्री इन अ सिंगल शॉट। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टडी वेल। थैंक यू।